वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजा पाणियां दी धरती दे पुत्रो, मैं पंजाब बोलदा। पंजाब ओ पंजाब जेड़ा समय समय ते यावरां ने नावरां ने लताड़िया गया, दबिया गया, कुचलिया गया, पर मैं फिर अपने पैरां ते उठ खड़ा हुंदा रहा। ओ पंजाब जिहड़े पंजाब ने समय समय ते वड्डे वड्डे महाबली योधियां सूरमियां नूं जन्म दिता। ओ पंजाब जिहड़ा जावरां दा नक मोड़दा रहा, नावरां दी धौण भंदा रहा। ओ पंजाब जिहड़े ने कदे ईन नहीं मन्नी। ओ पंजाब जिहड़ा दीन दुनिया दा रखवाला रहा, मनुखता लई लड़दा रहा। सो मेरे पुत्रो, अज फिर ओ कुलैणा वक्त दुबारा मेरे ते फेर आ गया। अज फिर गल मेरी होन ते आ गई है, गल मेरे वजूद ते आ गई है। उठो मेरे पुत्रो, उठो, अज तुहाडी लोड़ है मैनू। क्योंकि अज जालम लोग मेरा मलिया मेल कर देना चाहते है, मेरी इस विरासत नूं खा जाना चाहते है, मेरी इस सभ्यता नूं उजाड़ देना चाहते है, मेरी होंद नूं खत्म कर देना चाहते है। जे अज ना उठे तो याद रखियो, ये पंजाब इतिहास के रद्दी पन्ने वांगू बन के रह जाएगा। कदे किताबां च पढ़िया जाया करूगा कि कदे कोई इत्थे महान पंजाब, कोई महान विरासत जिउंदी हुंदी सी, इह खिता बड़ा आबाद हुंदा सी, इहदे लोक बड़े खुशहाल हुंदे सी, इहदे लोक बड़े बहादुर बड़े सूरमे हुंदे सी, इहदे लोक हमेशा जन्म दे नाल टकराउण वाले हुंदे सी। सो आओ मेरे पुत्रो, अज घरां च बैठ के गल नहीं बननी, मैं तुहानूं गल सुनाउणी चाहुंदा। देखियो कदे साडे नाल वी ओह ना हो जावे। कहिंदे इक वारी नैपोलियन ने किसे जंग दे विच इक बहुत बहादुर सूरमे नूं, जिहदा नाम मुहम्मद करीम सी, फड़ लिया। जदों फड के उहनूं नैपोलियन दे पेश कीता गया तां नैपोलियन ने कहा कि मैं तैनूं मारना नहीं चाहुंदा, क्योंकि तू बहुत सूरमा वड्डा है, बहुत शूरमगति दे नाल तू लड़िया है, पर मेरे सिपाहियां दीआं जानां गईआं ने ते इन्हां जानां बदले तू मैनूं 10,000 जिहड़ियां मोहरां लिया के दे। तां मुहम्मद करीम नूं हथकड़ियां ला के बाजार दे विच लिजाया गया। तां उहने अपने लोकां नूं कहा कि मैनूं 10,000 मोहरां चाहीदीआं ने। तां उहदे लोकां ने जवाब दे दित्ता, कहिंदे तेरी जंग करके साडा वड्डा वड्डा नुकसान होया, बड़ा वड्डा नुकसान होया, तेरी लड़ाई करके साडा आर्थिक नुकसान होया, तेरे करके साडा व्यापार खत्म हो गया, असीं तैनूं मोहरां नहीं दे सकते। तां जदों मुहम्मद करीम नूं दुबारा नैपोलियन कोल लिआंदा गया तां नैपोलियन ने कहा कि तेरी मौत दी वजह मेरे सिपाही नहीं है, तेरी मौत दी वजह आओ बुजदल लोक ने, जिन्हां नूं अपनी होंद बारे नहीं पता, जिन्हां नूं अपने वजूद बारे नहीं पता, जिन्हां लोकां खातर तू लड़ रहा सी, जिन्हां लोकां नूं बचाउण खातर, जिन्हां दी होंद खातर तू लड़ रहा सी, उन्हां लोकां नूं तां अपने व्यापारां दी पई है,
अपने आर्थिक नुकसान भी पई है। यह हुंदी आ भरावो गुलाम मानसिकता दीआं निशानियां, समझो गल कित्थे खड़ी है। अज फिर पंजाब उस महल्ले दे उत्ते खड़ा है, उस मोड़ ते खड़ा है कि गल साडे पंजाब दे वजूद दी है, जिन्हां नूं अज भी लगी जांदा है जां अज भी डर के घरां च बैठे हां कि यार छड परे उत्थे की करांगे, मुकदमा ना दर्ज हो जाए, फड़े ना जागे, डांगा ना पै जान। तां भरावो इस तरह दीआं बुजदिल कौमां दुनिया तो खत्म हो जांदियां ने, जिहड़ियां कौमां अपने हक्कां लई लड़ना भुल जांदियां ने, अपने वजूद नूं बचाउण लई नहीं जूझदियां, नहीं लड़दियां, ओह कौमां दुनिया तो नामो निशान मिट जांदा है। ओह की होया, छोटी जी गल पिछे असीं इन्नी निराशता चले गए हां। गल्लां करदे हां असीं बहुत वड्डे इतिहास दे वारसां, आनंदपुर साहब के किले नूं सत महीने घेरा पिया रहा सी, हजारां मुगल फौज ने साडे गुरु साहिबान नूं 7 महीने घेर के रखिया, तां गुरु साहिबान ने ना अपना हौसला डेगिया ते ना ही किसी सिंह का हौसला डिगण दिता, हल्लाशेरी दिंदे रहे। जदों ही मुगलां ने कहा कि जंग नहीं होवेगा, तुसी आनंदपुर साहब का किला छड़ दिओ, तां पर जदों गुरु साहिबान निकले तां मुगलां ने हमला कर दिता, सरसा नदी के कंडे वसोड़ा पै गया, छोटे साहबजादियां दीआं शहीदियां, वड्डे साहबजादियां दीआं शहीदियां, चमकौर की जंग, खदराने की जंग, बड़ा कुछ नुकसान होया। वो जे वो सोच लेंदे भी छड परे आपां की लैणा, क्यों जवाक आपां शहीद कराउणे आ, क्यों परिवार मरवाउणा है, तां जिहड़े वजूद की असीं अज गल करदे आ, जिहड़ी पहचान की असीं गल करदे आ, की परे हुंदी इह सोचो। सो आओ भरावो उठो, मैं दिल्ली तो पंजाब आया, दिल्ली तो पंजाब फिर मैं मेरे पंजाब दे लोकां नूं जगाउण लई आया, मेरे पंजाब दे लोकां नूं दिल्ली वर जाण लई प्रेरित करना है कि आओ मेरे पंजाब दे लोको, हुण साडे सिर जोड़न दी लोड़ है, सानूं इकट्ठे होण दी लोड़ है, क्योंकि हमला साडी होण ते है। पर मैनूं इक गल दा दुख है कि साडी हालत है ना जिहड़ी, उह वी तुहानूं मैं उदाहरण नाल दसूंगा। कहिंदे जदों हिटलर यहूदियों ते हमला कर रहा सी तां एक यहूदी नौजवान नूं किसी ने पुछिया कि तुसीं इन्हां हालातां दे जिम्मेवार किस नूं मंनदे हो, तां उस नौजवान ने कहा कि इन्हां हालातां दा जिम्मेवार हिटलर नहीं है, इन्हां हालातां दा जिम्मेवार वड्डे साडे आगू ने। जदों ही असीं किसी जुल्म का विरोध करते हैं तो सानू ही माड़ा कहन लग जाते हैं। सो भरावो यह समा हुण एक दूजे निंदण का नहीं है, भंडण का नहीं है, दूषणबाजी का नहीं है, छड़ दो गल्लां हुण ते नहीं, सानू समय ने कदे माफ नहीं करना, कदे इतिहास ने माफ नहीं करना। सो इस करके आओ आपां इन्हां गल्लां बातां नूं छड्ड के वड्डी गिणती दे विच दिल्ली वल नूं चाले पाईए। सरकारां हुण होर भी हथकंडे बनाउण ते आ गईआं ने, देखण च आया पक्कीआं बैरीकेडां हो रहीआं ने, डरा रहे ने, सरकारां डरा रहीआं ने, रेल गड्डियां रद्द कीतीआं जा रहीआं ने, नैट बंद कर दित्ता गया, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों जंग दे मैदान च होईदा, जदों संघर्षां दे मैदान च होईदा, फिर बड़ा कुछ झरना पैंदा हुंदा, बहुत कुछ सहना पैंदा हुंदा। सो आओ तुहानूं इह बेनतियां करन दे लई मैं दिल्ली तो पंजाब आया कि आओ मेरे पंजाब वासियो, वास्ता तुहानूं तुहाडी मां धरती दा,
वहासता तुहानू तुहाडे उन्हां योधियां दा सूरबीरां दा इस पंजाब दा इस पंजा पाणियां दा कि तुसी उठ के हुण दिल्ली वल नूं चले पाओ। क्यों मैं समझदा हां कि जीवन आ जिहड़ा जिंदगी है जिहड़ी कहिंदे हुंदे आ इतिहास हमेशा टकराउण वाला दा लिखिया जांदा है, जिहड़े हक्कां लई नहीं टकराउंदे गोडे टेक दिंदे ने इतिहास उन्हां दा नहीं कदे लिखिया जांदा, ना इतिहास उन्हां नूं कदे माफ करदा। बंदा सोचदा है कि मैं जिंदगी च पैदा होया, बचपन तों बाद जवानी आई, ब्याह होया, बाल बच्चे पैदा कीते, खाधा पीता, गड्डियां ते घुमया, बुढ़ापा आ गया, मर गया, बस यही जिंदगी है। इसे नूं जिंदगी समझदे हो? मैं बड़ी वार स्टेजां ते गल करता हुंना कि जिंदगी नहीं है, जिंदगी जिंदा दिली दा नां हुंदी है, जिंदगी जाउण वाले नूं पता हुंदा जिहड़े असल मायनियां दे विच जिंदगी जाउंदे ने कि जिंदगी की है। सो आओ ये जिंदगी साड़ी पंजाब दे लेखे है, साड़ी धरती दे लेखे है, नहीं याद रखियो समा बार बार नहीं मौके दिंदा हुंदा, जे अज भी ना उठे तां पर सदा लई बिठा दित्ते जाओगे। आ बजट सैशन आया देख लो अज ही तुसी ते किवें सारा कुछ जिहड़ा बेचण दी तैयारी कर ली है, नहीं भरावो अंदर वड़ वड़ के रोया करोगे, पछताया करोगे, आने वाली नस्लां आने वाली पुश्तां तों गालां खाया करोगे, मूंह दिखाउण जोगे नहीं रहना तुसी कि असी की कीता, असी क्यों नहीं दिल्ली गए, असी क्यों नहीं अपने लोगों का साथ दिता, क्यों नहीं उन्होंने नाल खड़े जाके असी। सो आओ अज मैं पूरे पंजाब के लोगों साडे किसानां नूं मजदूरां नूं व्यापारियों आड़तियों नूं हर वर्ग के लोगों अपील करन पंजाब आया कि आओ मसला कल्ले इक दा नहीं है, मसला कल्लियां जमीनां दा नहीं है, मसला कल्ला किसानी मजदूरी दा नहीं है, मसला हर इंसान दी रोजी रोटी दा, मसला हर इंसान दे भविख नाल जुड़िया होया, मसला हर इंसान दीआं आउण वालीआं नसलां नाल जुड़िया होया, मसला हर इंसान की होंद है, इस पंजाब की होंद, इस मिट्टी की होंद है। जे इस मिट्टी नूं प्यार करदे हो, मुहब्बत करदे हो, तां फिर आओ वध तों वध वड्डी गिणती दे विच बेफिक्र होके, निडर होके, निधड़क होके दिल्ली वल नूं चाले पाओ। जिड्डा वड्डा कट तुसीं दिल्ली कर जाओगे, आने वाले समय के जो किसान आगू जिस तरह का प्रोग्राम देंदे ने उहदे तहत चल के आपां अगे जित वल वध सकदे हां। वार वार यही अपील करदा हुंना शांति दी कि शांति बना के रखनी है, जात च रहना है, क्योंकि शांति बनाई रखांगे जात च रहांगे तां जित साडी यकीनी है भरावो। आखिरी हमला मारन की लोड़ है, अखीरले मरहले दे उत्ते पहुंच चुका संघर्ष है जिहड़ा ये। सो आओ मैं सारे मेरे पंजाब वासियों नूं अपील करदा कि हुण अपने आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की हूक नूं सुनो, अपनियां जमीरां नूं हलूणा मारो ते सोचो कि साडा जाना फर्ज बनदा, सानूं जाना चाहीदा, मसला बहुत वड्डा। सो यही मैं बेनतियां करदा कि वध तों वध वड्डी गिणती दे विच तुसी अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लैके अपनियां गड्डियां लैके दिल्ली वल नूं भीरा कट्टो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।